तुमको बोल रहा हूँ विजय। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर अपोजिट नील नितिन मुकेश, इनका नाम फरजाना सुल्ताना है। उनको लेकर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आए कि इनसे इंस्पायर्ड है, उनसे इंस्पायर्ड है, बट मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस बारे में कुछ भी बात करूँ। जो भी मुझे मधुर सर ने कहा, जो भी ब्रीफ दिया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया। सो पॉलिटिकली आई कांट से यस, यू नो, जब मुझे बहुत सारे मीडिया से फ़ोन कॉल आया कि ये संजय गांधी की गर्लफ्रेंड पे इंस्पायर्ड है, सो मेरा यही था कि मुझे ऐसा ब्रीफ नहीं मिला था जब मैंने फिल्म साइन की थी। तो जो ब्रीफ नहीं मिला, मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बताया गया था कि वो कैसे दिखते हैं, उनका हेयर कट कैसा है, 1975 में इमरजेंसी में उस लेडी ने क्या क्या किया था। सो मैंने सिर्फ उनका ब्रीफ फॉलो किया, बट रिलेटेड टू संजय गांधी एंड ऑल आई हैव नथिंग। के इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए, हम इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही, बहुत खुशी हो रही है। और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बोलूँगा कीर्ति जी बताइए। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का और उनके उनके फाइनल उनके प्यार का, उनके प्यार का। बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जो पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर। उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा, दो छोटे छोटे कट्स दिए उन्होंने, दो जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस। तो और बाकी जो 16-17 कट से बहुत एज इट इज रहे, वो बहुत बात की खुशी है। तो ये भी वैसे ही रहेगी और बहुत चर्चे में भी है, तो देखना चाहूँगी। नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी बुक में लिखते हैं, इफ़ यू एक्सप्रेस एनी पॉलिटिकल सिनेरियो और सोशल सिनेरियो इन अ बुक फॉर्म, इट स्टिल इज इन अ प्रिंट मीडियम, बट द मोमेंट इट गेट्स इनटू अ विजुअल मीडियम, so it has a it has a much more impact, and it can create more impressions on people. So ek misnomer hai sabke dimag mein ki yaar film mein agar baat aa rahi hai to ye shayad kuch tehlka kuch bura tehlka machayegi, but mujhe nahi lagta aisa hai, because film is after all a film, aap kuch bhi kar liye, film should entertain and should give a message, should leave some impression on the minds of the people. वेल, जैसे आपने नोटिस किया होगा शायद कि इस पूरे दौरान मैं बहुत ही खामोश बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे जो विवाद हो जाते हैं वो अपने आप ही एक मोड़ ले लेते हैं और एक अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट पास किया। मैं किसी के खिलाफ नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा, बस क्योंकि एक फ़िल्म है, उसमें मधुर सर ने ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि 70% जो है वो फिक्टिशियस है, फिक्शनल है। तो एक फ़िल्म है, उसी कहानी है, कहानी हम एक समय पे एक आधारित है बस। तो आप एक फ़िल्म आए, देखें कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये फ़िल्म बना के हम आप किसी को यू नो नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी। देखिए, वो किस पृष्ठभूमि में बोला गया है, किस अंतर किस रेफरेंस से बोला गया है, आप उस रेफरेंस से देखिए। और हमारे देश में महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद जो भी गांधी आए उनका भी उतनी महानता से देखा जाए, ज़रूरी नहीं है। तो ये पर जहाँ तक गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत महत्व था, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर गांधी को हम उतना ही मान दें, सम्मान दें। जो काम करेगा उसको सम्मान मिलना ज़रूरी है। और ये भी सच है कि जो इमरजेंसी में हुआ उसके पीछे भी एक गांधी थे। तो ये है इस फिल्म की जो कॉन्टेक्स्ट है।